दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्नो अर्शद चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों साल में एक बार आता है हंगामा, कौन खींचेगा पैनोरामा। तो आप में से हर एक व्यूअर्स के इसी के मन में सवाल होगा हमारे फोन पर, तो पैनोरामा मोड है, पर ये पैनोरामा मोड किस यूज़ का है। तो आज के इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को मिटाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ पैनोरामा मोड क्या है और अपने फ़ोन पर क्यों है और किस काम का है ये पैनोरामा मोड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्शद, आप देख टेक्नो अर्शद। तो आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग हर एक व्यूअर से आपने तो हाल ही में फ़ोन ख़रीदा होगा, तो उस पर आपको एक पैनोरामा मोड वो आपको ज़रूर दिखाएगा। हर एक फ़ोन पर एक टेक फोटो वाला नॉर्मल मोड होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स मोड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोर्ट्रेट मोड हो गया, ब्लर मोड हो गया, बहुत सारे मोड्स होते हैं। उनमें से एक मोड होता है जो है पैनोरामा मोड। तो आपने भी उसे देखा होगा अपने फ़ोन पर, तो आपके मन पर एक सवाल आएगा ये पैनोरामा मोड किस काम का है। तो ये इस काम का है, मान लीजिए अगर आप एक जगह पर गए हैं जो बहुत बड़ा जगह हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह हो, जिस जगह पर आप बहुत अच्छे लगे आपको और आप उस जगह का पूरी तरह से मतलब एस से जेड तक आपको पूरी तरह से उस जगह का फ़ोटो खींचना है, तो आप तो पूरी तरह से एकदम से एक जगह पर रहकर आप पूरी तरह से पूरा जगह का को आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। और एक जगह मान लीजिए बहुत लंबा जगह है, तो आप पूरी तरह से उस जगह का पूरा साइज को फ़ोटो खींचना चाहते हैं, पर आप तो पूरी तरह से पूरे फोटो साइज को खींच नहीं सकते। तब आता है ये पैनोरामा मोड। ये पैनोरामा मोड क्या करता है कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन हो और आप जब भी फ़ोन को आप ऐसे पकड़ेंगे और आप नॉर्मल फ़ोटो लेंगे, तो उस जगह का जो बीच का साइड है वो सिर्फ वो बीच का साइड आता है। तो बीच का साइड आने से आपका पूरी तरह से आपका जो फ़ोटो होगा वो पूरी तरह से आपका तो पूरी तरह से एकदम से नहीं आएगा आपको, और जो फ़ोटो होगा आपको पूरी तरह से वो मिल नहीं जाएगा, आपको फ़ोटो नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे उस जगह से। आप चाहते थे पूरी तरह से उस जगह का फ़ोटो लो, एक बड़ा जगह है, लंबा जगह है, तो उस जगह का पूरी तरह से एकदम से फ़ोटो लो, तब जो चाहते थे वो तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये पैनोरामा मोड यूज़ होता है। पैनोरामा मोड पर आपको दिखाई जाएगा एक जो फ़ोन होता है, आपको फ़ोन को जब भी पैनोरामा मोड को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद एक दिखाई दे रहा होगा एक स्लाइडिंग का, तो एक स्लाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी आप अपने फ़ोन को कैमरा मोड को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद एक एरो दिखाएगा जो साइड पर आप, अगर आप लेफ्ट साइड को करना चाहते हैं, अगर आप राइट साइड को करना चाहते हैं, जो एरो दिखाएगा, तो वो एरो दिखाएगा आपको सिर्फ इस साइड को आपको मूव करना है। तो आप जब भी उसे मूव करेंगे तो ऐसे आप जब भी इसे मूव करेंगे तो आपका जो फ़ोटो होगा एकदम से बहुत ऑटोमेटिकली बहुत सारे फ़ोटोज़ को खींचा जाएगा, बहुत सारे फ़ोटोज़ को खींचा जाएगा एक साथ। तो इसको कहते हैं वाइड एंगल। तो ये थोड़ा सा मतलब एकदम से जो कंपेरेटिव चीज़ है, मैं सीधी भाषा से मैं आप सबको समझा देता हूँ। अगर आपने पूरी तरह से एकदम से जब भी अपने फ़ोन को ऑन करके आप पूरी तरह से एकदम से ऐसे फ़ोटो लेंगे, तो वो जो पैनोरामा मोड होता है क्या करता है कि आपके फ़ोन पर एक सेंसर्स होगा या एक होगा चीज़ जिससे जो फ़ोटो होगा वो पूरी तरह से एक दौरान बहुत सारे फ़ोटोज़ को एक साथ क्लिक किया जाएगा, आपको दिखाई नहीं जा रहा, पर अपने फ़ोन पूरी तरह से आपका जो फ़ोन होगा वो पूरी तरह से एकदम से बहुत सारे फ़ोटोज़ एक साथ खींचा देगा, एक साथ एक दो तीन चार पाँच छः, आपका जितना बड़ा साइड है उतना बड़ा आपका जो फ़ोटो होगा खींचा जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मान लीजिए 10 फ़ोटोज़ हैं, 10 फोटो ने आपने पूरी तरह से एक एंगल को आप उस जगह से इधर तक मतलब एक फ़ोटो खींचना आपने ऐसा पूरी तरह से ऐसा, तो वो जो आपका कैमरा होगा पूरी तरह से एकदम से मतलब आपका इधर से इधर तक जितना फ़ोटोज़ है ऑटोमेटिक अपने कैमरा जो होगा अपना क्लिक कर देगा। तो ऑटोमेटिकली क्लिक करने के बाद वो जो फ़ोटोज़ होंगे, मान लीजिए 10 फोटोज़ है, तो 10 फोटोज़ होने के बाद आपको कैमरा खींचेगा आपको 10 फोटो, आपको नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ अपने फ़ोन को स्लाइड करना होगा। जब वो स्लाइडिंग जाता होगा उस वक्त ही आपका जो कैमरा का है ऊपर तो एकदम से क्या होता है कि फ़ोटोज़ को खींचता रहता है, एकदम से फ़ोटोज़ को सिर्फ खींचता रहता है, और एकदम से मान लीजिए 10 फोटो हो चुका है, तो 10 फोटो होने के बाद क्या करता है कि आपको देखना है, आपको वो जो पूरा जगह है उसे आपको देखना है, तो आपको एक दो तीन चार फोटोज़ को नहीं दिखेंगे। वो पूरी तरह से क्या करता है कि एक फ़ोटो से और एक फ़ोटो को ज्वाइन करता है, एक फ़ोटो से और एक फ़ोटो को ज्वाइन करता है, फर्स्ट फोटो है उससे सेकंड फ़ोटो को ज्वाइन करता है, सेकंड फ़ोटो से थर्ड फ़ोटो को ज्वाइन करता है, थर्ड से फोर्थ फोटो को ज्वाइन करता है, तो इसी तरह सभी फ़ोटोज़ को एकदम से ज्वाइन कर देता है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको पूरी तरह से दिखाई देगा आपको, आप अगर आपने उस जगह से इस जगह पर आपने फ़ोटो लिया तो आपका पूरा फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा।
अगर आप नॉर्मल कैमरे से फोटो लेंगे, अगर आपने उस जगह से उस जगह तक फोटो लेना होगा, सिर्फ आपको जो आप जिस साइड पर फोटो लेंगे सिर्फ उसी साइड का फोटो आएगा। पर पैनारोमा मोड पर आपको एक ही दौरान आपको स्लाइड करना होगा, ऐसे अपने फ़ोन को स्लाइड करना होगा और फ़ोन को स्लाइड करने के बाद आपका जो फोटो होगा वो आपको फोटो लेगा। मान लीजिए ये मेरा फ़ोन है तो इससे मैं क्या करता हूँ, मुझे इधर से इधर आकर मुझे फ़ोटो लेना है तो मैं पैनारोमा मोड को ऑन कर देता हूँ। मैं इधर से पूरे से ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे मैं मूव करता रहूँगा। तो मुक करने के बाद पूरी तरह से मुझे इतना तक फोटो खींचना है, तो मैं जितना तक मैं फोटो खींचूंगा मेरा जो फ़ोन का कैमरा होगा और पूरी तरह से एकदम से जितना फोटो लगा खींचेगा, उसके बाद उस सारे फोटोज जो होंगे पूरी तरह से उसे जॉइन कर देगा। तो कुछ ऐसा ही पैनोरामा मोड ऑन कर मतलब यूज़ होता है। और आप मेरा यूट्यूब पर ऐड देखे होंगे तो उधर दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए, जैसे कि आलिया भट्ट का ऐड है तो उस पर दिखाई दे रहा है ऐसे पकड़ती है और ऐसे करती है। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ़ोन का कैमरा का ऊपर से बहुत सारे फोटोज़ के एक साथ खींचेगा, 10-11 फीट आपको आपको जितना जगह बड़ा है उतना जगह अपने फ़ोन को आप फोटो खींचता रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको फोटो खींचने के बाद आपका जो पूरी तरह से एकदम से आपको जॉइन करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 7 आपको जितना फोटोज है एकदम से जॉइन करता है और उसके बाद आपका जो फोटो है पूरी तरह से एकदम से आ जाता है। तो यही है पैनोरामा का असली सच, पैनोरामा मोड का ये यूज़ है। आपको किसी भी फोटो को किसी जगह का आपको पूरी तरह से फोटो लेना है तो आपको पैनोरामा मोड को यूज़ कर। दोस्तों मुझे आशा आप सब पूरी तरह से आपको सब कुछ समझ में आ गया पैनोरामा मोड कैसे वर्क करता है और किस लिए हमारे फोन पर है। तो फिलहाल के लिए देखने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपका सवाल सुझाव हो आप जिन्हें कहीं मिलेगा मत भूलेगा। अगर अपनी वीडियो को लाइक शेयर करें, लाइक भी शेयर भी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप सबके लाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप सबको थैंक यू सो मच एंड